हे भगवान, इधर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, सो गाइस, कैसे हो आप? तो गाइस, ये है नाइट का सीन और जो मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, नाइट में शुरू कर रही हूँ। और दो तीन दिन से ब्लॉग डाल नहीं पाई थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, और ये पुराना ब्लॉग है इसलिए आज डाल रही हूँ। तो आज हम लोग आए थे छत पे, और ये देखिए, आज हमने प्लानिंग करी कि हम लोग छत पे ही खाना खाएंगे, मगर छत पे आते इतनी गर्मी लग रही थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया है। और अनिका और सिद्धांत इतना उधम मचा रहे थे वाकई में कि उन्होंने हमारा बैठना मुश्किल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि नीचे चलो, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, एक जगह बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो देखिए, इनकी मस्ती चालू है और आप भी इंजॉय करिए, हमारे संग आ जाइए खाना खाने के लिए। तो चलिए। हाँ, मजा आई। सो गाइस, आज छत वाली गुड मॉर्निंग हो रही है और हम लोग आए छत पे। तो देखिए, छत कितनी गंदी पड़ी हुई है, तो आज ही साफ करेंगे। सो गाइस, ये है दूसरे दिन का दिन। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया छत पे, फिर थोड़ी देर बाद हवा भी चलने लगी थी और छत बहुत गंदी हो रही थी कि हमने सोचा चलो दूसरे दिन जाके छत साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बच्चे लोग ऊपर आते हैं, कुछ ना कुछ उठाते रहते हैं, इसलिए सोचा कि चलो सुबह उठ के फटाफट से ठंडे टाइम में आके छत साफ़ कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने छत भी साफ़ करी, कैप्चर नहीं कर पाई, तो काफ़ी थकावट हो गई थी क्योंकि धूप काफ़ी हो रही थी छत पे। फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने सोचा चलो क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो फिर मैंने देखा लौकी रखी है, तो लौकी की सब्ज़ी बहुत दिनों से बनाई नहीं है, तो फिर मैंने लौकी काट रही हूँ। फिर थोड़ी देर में लौकी बना काट कूट के, अभी बच्चे लोग सो रहे हैं तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, अगर ये लोग उठ गए ना तो फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है मेरा। तो फटाफट से सब्ज़ी रोटी बना के फिर इन लोगों को उठाऊँगी, फिर इन लोगों के ब्रेकफास्ट कराऊंगी। हेलो एवरीवन, सो अभी आज पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आज कपड़ों की छटाई।
जो अनिका और सिद्धांत के छोटे कपड़े हैं बहुत जल्दी छोटे हो गए और वो रिद्धि के भी थे, रिद्धि का के अनिका ने कपड़े पहन लिए हैं, उनके जो रखे थे पुराने कपड़े तो वो अनिका को आने लगे हैं, और जो रिद्धिका के छोटे हो गए थे वो अनिका को आने लगे हैं दोबारा से। तो उनको मैं अलग करके अनिका के अलमारी में सेट करूँगी, और जो अनिका के और सिद्धांत के जो कपड़े छोटे हो गए हैं उनको मैं अलग रख दूँगी। तो आज मैं ये ले कर बैठी हूँ, तो देखिए पूरी डलिया भरी पड़ी थी कपड़ों से, तो बड़ा आलस आ रहा था छाटते हुए। 2-3 दिन से ये डलिया वैसी की वैसी रखी है कपड़ों की, तो सोचा चलो आज थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई हूँ तो ये कपड़े छाट लूँ और रख दूँ। कुछ कपड़े गर्म हैं तो इनको अलग करूँगी, और कुछ ये ख़राब हो गए तो इनको घर के यूज़ में आ जाएंगे ये कपड़े, और ये रख दूँगी। अभी तो मैं किसी को दूँगी नहीं, जो छोटा बेबी हो या छोटा बच्चा उसको दूँगी नहीं, बाद में दूँगी, क्यों अभी कोरोना चल रहा है इसलिए। तो चलिए फटाफट से ये सारे कपड़े छाट लेती हूँ फिर रख दूँगी, नहीं तो फिर मुझे आलस आ जाएगा दोबारा से। ये कपड़े हैं सारे अनिका और सिद्धांत के, ये छोटे हो गए हैं सारे कपड़े, नाइट सूट्स हैं, ये गर्म पजामीज हैं, और ये ऊपर के टॉप हैं, और ये तो भी सही है, ये भी घड़ी करके रखे हैं। ये रिद्धिका की फ़्रॉक है ये वाली, अनिका के लिए रखी है मैंने निकाल के, और ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको पिंक वाला, ये भी रिद्धिका का है, काफ़ी पहना, बहुत अच्छा क्लोथ निकला था। तो इनको मैं फटाफट से जमा लूँगी, और ये देखिए अनिका की एक और फ्रॉक है ये, तो ये भी छोटी हो गई है। बड़ा मन दुखता है कपड़े छोटे हो जाते हैं बच्चों के, तो इनको भी उठा के सबको रखना है। आज मैं ये सब लेके बैठी थी, और ये भी अनिका का, ये तो बड़ा है, ये तो मैंने भी ये उसके पापा ने मंगवाया था, मैंत्रा से मंगवाया था ये वाला, ये भी अनिका का, ये तो फिट है, ये अलग रख दूँगी, ये तो मिक्स हो जाएगा तो मिलेगा नहीं फिर दोबारा से। ये भी रखना है, और ये भी सब ये अनिका के हैं गरम कपड़े, तो ये भी सब छाट के मेरे को अलग रखना है। फटाफट से ये सब कर लेती हूँ। ये भी अनिका की टी शर्ट है, बहुत सुंदर टी शर्ट है, ये टी शर्ट उसने ज़्यादा नहीं पहनी मगर ये गर्म है थोड़ी सी, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाली टी शर्ट का, इसमें जो फ्लावर है बड़ा फाइन है, और इसका कलर वाओ नाइस, इसकी फ्रिल है, वैसे पहन सकती है, इतनी मोटी नहीं है पतली है, तो इसको मैं ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि बारिश वगैरह होती है ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ज़्यादा मोटी नहीं पतली है, तो इसको मैं अलग रखूँगी। ये मैंने मैक्स से ली थी, तो इसको भी अलग रखूँगी। और ये सिद्धू का है, सिद्धांत का ये वाला स्वेटर, इसको मैं अंदर रख दूँगी। और एक फ्रॉक बताऊँगी मैं, ये फ्रॉक पता है किसकी है, ये रिद्धि की फ्रॉक है, ये देखिए अभी भी ये जैसी की तैसी है, और ये अनिका ने 2 बार पहनी है केवल ये वाली फ्रॉक, तो बहुत सुंदर थी ये फ्रॉक। रिद्धिका ने ज़्यादा नहीं पहनी क्योंकि उसको ये चुभती थी, मगर अनिका ने केवल 2 ही बार पहनी है। और क्या है मेरे खजाने में, ये तो किसी ने दी थी, ये कोई मतलब की नहीं है, ये तो बहुत छोटी है, किसी ने दी थी ये रिद्धिका के बर्थडे पे, अनिका के बर्थडे पे सॉरी, तो मैं रख दूँगी अलग से, न्यू है ये, कुछ नहीं है इसका, सब अच्छा है। पर चलिए फटाफट से कर लेती हूँ कपड़े। सो गाइज, अगर आपको आपका ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो मेरी फीलिंग है उसका भी आप ख्याल रखना, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो घंटी आएगी उसको बजा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसे नहीं है, तो जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सकेगा। तो फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय मुझसे साझा ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।